एक गांव में साधु नाम का एक गरीब बूढ़ा आदमी हुआ करता था। उसका बेटा और बहू एक एक्सीडेंट में मर जाने के कारण उसके पोते रामकी को साधु बहुत लाड़ प्यार से पालने लगा। साधु गांव में पुराने सामान उठाकर उन्हें ठेली पे रखकर पुराने सामान बेचने वाले दुकान में बेच देता था। वो आए दिन रामकी को अपने ठेली पे बिठाकर स्कूल के पास छोड़कर शाम को फिर से रामकी को अपने ठेली पे बिठाकर घर लाता था। रामकी के स्कूल में रहने वाले अमीर बच्चे मिनी बाइक्स पे और मिनी कार्स पे आते थे। रामकी उन बाइक्स और कारों की ओर बड़े आस से देखता था। रामकी अपने क्लास में हर दम फर्स्ट आता था। एक बार साधु रामकी को घर ले जाने के लिए स्कूल आया, तभी उसने देखा कि रामकी एक मिनी बाइक के पीछे बैठा हुआ था। साधु तब बेटा अब घर आओ कहा। रामकी दादाजी ये मेरा दोस्त विक्की है, मुझे घर के पास छोड़ने के लिए कह रहा है, प्लीज मैं इसके साथ जाऊंगा दादाजी कहा। विक्की तब हाँ दादाजी अब से मैं इसे पिकअप भी करूंगा, आए दिन पिकअप और ड्रॉप मैं ही करूंगा, आपको उस टेली पे इसे ड्रॉप करने की जरूरत ही नहीं है कहा। ये सुनते ही साधु दुखी हुआ मगर अपने पोते की ख्वाहिश को मना नहीं कर पाया और ठीक है जाइए कहा। वो लोग बाइक पे चले गए। अगले दिन रामकी को स्कूल ले जाने के लिए साधु ठेली को तैयार कर रहा था, तभी विक्की बाइक पे वहाँ पर आया। रामकी तब मैंने कहा था ना दादाजी कि विक्की आएगा कहकर, देखिए आ गया है, मुझे उस बाइक पे जा रहे तो बहुत अच्छा लग रहा है दादाजी, मैं चलता हूँ बाय बाय कहा। साधु ये देखकर बहुत दुखी हुआ। हे भगवान अगर मेरे पास भी पैसे होते तो मैं उसे एक मिनी बाइक दिलाता था ना, तब मैं उसे हर रोज उसे ठेली पे स्कूल छोड़ता था तो मेरे दिल को बहुत तसल्ली मिलती थी, मगर अब वो भी नहीं है, क्या करूं सब मेरे कर्म है। सोचा एक बार रामकी घर को पैदल चलते हुए आया। ये देखकर साधु क्यों रे आज विक्की नहीं आया क्या पूछा, मगर रामकी बिना कोई जवाब दिए अंदर चले गया। आधी रात को साधु को किसी की रोने की आवाज सुनाई दी, वो उठकर देखा बगल में राम की रोते हुए दिखा। साधु तब बेटा क्या हुआ तुम ऐसे क्यों रो रहे हो, कोई बुरा सपना देखे क्या पूछा। राम की तब नहीं दादाजी वो विक्की और थोड़े अमीर बच्चे जाकर ही ये सब नाटक किए, कह रहे थे कि मैं हरदम क्लास में फर्स्ट आता हूँ कहकर वो बहुत जल गए, इसीलिए इसे किए, आए दिन मुझे बाइक पे बिठाकर घुमाऊंगा कहकर कहना सब झूठ है दादाजी, आज सबके सामने मुझे पकड़कर तुम गरीब हो हमारे गाड़ी पे चढ़ने की हैसियत तुम्हारी नहीं है कहकर उसने मजाक उड़ाया तो सब हंसने लगे दादाजी, कल से आप ही मुझे छोड़िए दादाजी, मुझे उसकी बाइक नहीं चाहिए कुछ नहीं चाहिए कहकर अपने दादाजी को पकड़कर रोने लगा। ये देखकर साधु के आंख भर आए। अगले दिन साधु को ठेली पे स्कूल आते देख विक्की और उसके दोस्त हंसने लगे। साधु तब बेटा तुम गलत कर रहे हो, वो फर्स्ट आया तो आप लोग भी अच्छे से पढ़कर फर्स्ट आने के लिए कोशिश करना चाहिए था, मगर ऐसे उसका अपमान करना ठीक नहीं है, हम चाहकर गरीबी में पैदा नहीं हुए हैं ना, कृपा करके मेरे पोते को मत रुलाइए कहा। विक्की तब ऐसे बातें सिनेमा और सीरियल में बहुत सुने हैं, हम अमीर लोगों को तुम्हारे जैसे गरीबों को रुलाने का हक है कहा। एक बार साधु डंप यार्ड में कचरा उठा रहा था, तभी उसे एक पुराना मिनी ट्रैक्टर दिखाई दिया। अरे ये तो मस्त है, इसकी मरम्मत करके मेरे पोते को दिए तो वो चलाएगा ना, सोचकर उसे अपने ठेली पे रखकर घर निकला। बाद में बहुत मेहनत करके उसे नया ट्रैक्टर के जैसे बनाया। ये देखकर राम की खुशी से तालियां मारने लगा। अगले दिन ठेली ढकेलते हुए स्कूल आए साधु को देखकर विक्की क्यों बुढ़ाओ तुम्हारा पोता कहाँ पर है, हम तुम्हारा अपमान कर रहे हैं कहकर उसे स्कूल बंद करवाए क्या साधु तब बेटा
हम गरीब जरूर हैं, मगर हम में हुनर की कमी नहीं है। मेरे पोते को अब से इस ठेली पे स्कूल आने की जरूरत नहीं है, एक बार उधर देखिए। कहते ही सब मुड़कर देखने लगे। तब राम की मिनी ट्रैक्टर चलाते हुए स्कूल आने लगा तो विक्की और उसके दोस्त दंग होकर उसे देखने लगे। बाद में वो लोग बहुत अपमान महसूस किए और अपना सर झुका लिए।